नमस्कार, हजारिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर एक नजर। देखिए, मौजूदा सरकार के रहते पूरे देश की अर्थव्यवस्था लगभग लगभग बुरी तरीके से चल रहा है और इतिहास में ये पहला मौका है कि एक माह के दौरान लगभग 8 रुपए से लेकर के 10 रुपए तक जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। कभी आज तक के इतिहास में कभी ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई और आप सबको पता है लोग सत्ता में है जब कभी विपक्ष में हुआ करते थे 1 रुपए भी अगर कभी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाया करते थे तो पूरे ये कहते थे कि पूरे हिंदुस्तान की सरकार फेल है। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज आम आदमी त्राय त्राय कर रहा है, लोग परेशान है, सीमाओं पर विवाद खड़ा हुआ है, हमारे जवान मर रहे हैं, हमारी महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, देश और देश की कानून व्यवस्था चौपट है, विकास के काम सब रुके हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में कहेंगे कि मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पूरी तरीके से विफल है और आने वाले समय में जनता इसका निर्णय लेगी और हमें विश्वास है कि जनता हमने बोलने में बस केवल माहिर है, जो बड़े मुंह है बोलते हैं, बाकी तो कहीं कोई घातक तो दिखाई नहीं देता। आज तक ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार को 3.5 साल हो गए, एक काम नहीं बता सकते कि एक काम किया है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ से दे देंगे, कोई सवाल ही नहीं होता। ये जैसे 20 लाख रुपए देने 15 लाख रुपए देने का जुमला था, जैसे ही जो है ये सब बातें लोगों को गुमराह करने वाली काले धन लाने की बातें थी, आमदनी दुगनी करने की बातें थी, जो भी थी जुमले थे। इसी तरीके का एक और जुड़ गया कि जो है हमने 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, 1 करोड़ लोगों को कहाँ से रोजगार दे दिया, मनरेगा इन लोगों ने बंद कर दिया, मनरेगा में अब मजदूरी में पैसा दे रहे हैं, पहले तो कहते थे मनरेगा का कोई मतलब नहीं। तो इस सरकार के पास ना कोई नीति है, ना इस सरकार की नीयत है गरीब लोगों की मदद करने की, और मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये सरकार विफल।